नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में लालकुआ में आगामी विधानसभा चुनावी रैली हुई। उत्तराखंड के नैनीताल में लालकुआ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रैली की गई। बता दें कि सभी दल के दावेदारों ने अपना अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इन्हीं सबके बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष पवन चौहान के हजारों समर्थकों ने नगर में विशाल जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही समर्थकों ने पांचवी आलाकमान को एहसास दिलाया कि अगर पवन चौहान को टिकट नहीं दिया गया तो इसके परिणाम घातक होंगे। बताते चलें कि आचार संहिता लागू होने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली शुरू हो गई है, जिसका प्रारंभ भाजपा से दावेदारी कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत पवन चौहान के समर्थकों ने नगर में जबरदस्त रैली निकालकर शक्ति का प्रदर्शन किया। नैनीताल से संजीव सिंह की रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी निर्णय बहुत देख कर लेती है। और इस बार मैंने पहले भी निवेदन किया था, मेरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, मेरे को इस बार निराश नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज जनता का उत्साह देखते बनता था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे युवा साथियों के द्वारा बुलाए गए इतना समर्थन बिंदु खत्ता लालपाई से था। अगर चोरगलिया गोलापार बेरवली रोड भी मिल जाए तो क्या होगा, सड़कों पर सैलाब आ जाएगा। अब आज थोड़ी तैयार बच्चे हमारे युवा साथी कह रहे थे कि ये 2-3 घंटे की हमारी तैयारी थी, और 2-3 घंटों की तैयारी बाद 1,500 व्यक्ति मजाक मेरा आलाकमान से मैंने टिकट मांगी है, टिकट मांग रहा और चुनाव हम जीतेंगे, मैं जीत करके ऐसे दे दूंगा। अगर आपको टिकट दिया, मैं जनता से जुड़ा व्यक्ति, मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति, मेरे को एक एक चीज़ की लालकुआ की समस्याओं के बारे में ठीक से जानकारी है। और लालकुआ की समस्याओं का जो मूलभूत समस्या है, लोगों को जो चाहिए वो मैं करूँगा। इसलिए लोगों को मेरे ऊपर 25 साल से इसीलिए सेवा कर रहा हूँ, लोग आज भी मेरे में विश्वास बनाए हुए हैं, उनको पता है कि मैं ठीक काम करूँगा और मेरे ऊपर उनका पूरा प्रदर्शन नहीं था। नहीं, मेरे प्रति हमारे युवा साथियों का, हमारे मित्रों का, मेरे को चाहने वाले लोगों का प्यार था। और ये लालकुआ बिंदु खत्ता से लोग थे, और अल्प सूचना में, ये हमारे साथियों का कहना है कि अल्प सूचना में ही इतना कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टिकट मेरे को मिलना ही चाहिए और आला कमान मेरे को टिकट देंगे, देगा तो ऐसी जानकारी। टिकट अगर भाई नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? टिकट मिलेगा ना, ना मिलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी लड़ेंगे मैदान में।